भाई एलआईसी में आप काम कर रहे हैं, लेकिन अगर आपको ये पता होगा कि एलआईसी में आप काम जो कर रहे हो उसमें कमीशन तो आपको मिलता ही मिलता है, लेकिन कमीशन के अलावा आपको और कितने सारे बेनिफिट मिलते हैं, अगर आपको ये पता होगा तो आप एलआईसी में और बढ़िया तरीके से और मेहनत करके और अच्छे तरीके से काम करेंगे। लेकिन बहुत सारे एडवाइजर अभी भी ऐसे हैं जिनको ये नहीं पता है कि एलआईसी में काम करके क्या वो प्रमोशन पा सकते हैं, एलआईसी में अगर वो अच्छा काम करेंगे तो उनको कितने प्रकार के क्लब मेंबरशिप वो ज्वाइन कर सकते हैं, कितने प्रकार के क्लब मेंबर वो बन सकते हैं। अगर आपको नहीं पता है तो मुझे कमेंट करके जरूर बताइएगा। और आपसे एक सवाल करना चाहता हूं, सवाल ये है कि क्या आपको पता है कि एलआईसी में कितने प्रकार के क्लब मेंबर आप बन सकते हो, कमेंट जरूर करिएगा। दोस्तों एलआईसी में आप सभी काम कर रहे हैं और पिछले काफी सालों से काम कर रहे हैं, लेकिन अभी आपको सिर्फ इतना पता है कि एलआईसी में पॉलिसी डाल दी और उसके ऊपर आपको कमीशन मिल गया, सिर्फ यही आपको पता है। इसके अलावा आपको यह नहीं पता है कि एलआईसी को अगर आप बिजनेस के हिसाब से लेके चलेंगे, अगर अपना बिजनेस समझ के चलेंगे और आप थोड़ा समय तक अच्छा परफॉर्म करते हैं तो यहां पर आप क्लब मेंबर भी बन सकते हो। इस वीडियो में मैं आपको सभी क्लब मेंबर तो नहीं बता सकता हूं, लेकिन आज की इस वीडियो में हम बात कर रहे हैं एलआईसी के एक ऐसे क्लब मेंबरशिप के बारे में जिसका नाम है सीएम क्लब मेंबर। जी हाँ दोस्तों, चेयरमैन क्लब मेंबर। तो चेयरमैन क्लब मेंबर बनकर आपको क्या क्या बेनिफिट मिलेंगे, ये वीडियो आपकी बहुत मदद करने वाली है, क्योंकि अगर आपने समझ लिया कि चेयरमैन क्लब मेंबर अगर आप एक बार बन जाते हैं तो आपको क्या क्या बेनिफिट मिलते हैं, तो दोस्तों आपके अंदर की जो अग्नि थी जो शांत बैठी थी वो जलना शुरू हो जाएगी, आपके अंदर की अग्नि स्टार्ट हो जाएगी और आप में कहीं ना कहीं एक जुनून होगा, आप में कहीं ना कहीं अंदर से एक फायर निकलेगी, आपको लगेगा कि नहीं मुझे चेयरमैन क्लब मेंबर जरूर बनना है। और कब आप बन सकते हो, जब आपको बेनिफिट पता चलेंगे कि चेयरमैन क्लब मेंबर बनने के क्या क्या बेनिफिट हैं। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा, और मेरी दरख्वास्त है एलआईसी डेवलपमेंट ऑफिसर और सीएलआई एडवाइजर से, तो इस वीडियो को आप अपनी टीम के साथ में जरूर शेयर करें। दोस्तों हर एक व्यक्ति जो एलआईसी में काम करता है वो क्यों ज्वाइन करता है एलआईसी, वो इसलिए ज्वाइन करता है कि वो अपनी जॉब के साथ साथ कुछ पैसा कमा पाए, ताकि इस पैसे से उसके जो एक्स्ट्रा खर्चे हैं वो खर्चों की पूर्ति एलआईसी के बिजनेस से हो पाए। अब कुछ लोगों की ख्वाहिश ये होती है कि नहीं मुझे तो एलआईसी में काम करना है लेकिन मैं एज ए बिजनेसमैन एलआईसी के साथ में काम करूंगा, उनके अंदर से आवाज निकलती है कि मेरा बिजनेस एलआईसी का बिजनेस है, वो अपने आप को एजेंट के तौर पे काम नहीं करते हैं, एजेंट समझ के काम नहीं करते हैं, वो एक बिजनेसमैन के पॉइंट ऑफ व्यू से काम करते हैं। जब वो कस्टमर के पास जाते हैं तो उस कस्टमर को भी वो किस तरीके से हैंडल करते हैं, एक बिजनेसमैन के तरीके से हैंडल करते हैं। तो एक बिजनेसमैन का क्या सपना होता है, उसका सपना होता है कि उसका अपना खुद का एक ऑफिस हो। तो एलआईसी एजेंट्स के लिए अगर आप चेयरमैन क्लब मेंबर बन जाते हैं तो अब आप देखिए कितने सारे बेनिफिट आपको चेयरमैन क्लब मेंबर बनने के बाद मिलने शुरू हो जाएंगे। सबसे पहला बेनिफिट दोस्तों, आपकी जो ख्वाहिश थी कि आपका अपना खुद का ऑफिस हो तो वो ऑफिस आप खोल सकते हैं। उस ऑफिस के खर्चे के लिए एलआईसी आपको 35,000 रुपए हर साल ऑफिस अलाउंस और स्टेशनरी अलाउंस देती है, हर साल आपको 35,000 रुपए एलआईसी की तरफ से दिए जाएंगे। अब जरा सोचिए, कमीशन तो मिल ही रहा है आपको, लेकिन उसके साथ साथ एलआईसी आपको ऑफिस खोलने के लिए पैसा भी दे रही है। दूसरा बेनिफिट ये होता है कि आप किसी कस्टमर के पास जाते हैं, जैसे दिवाली पे आप गए, होली पे आप गए, क्रिसमस पे आप गए, न्यू ईयर पे आप गए कस्टमर के पास, तो आप कुछ गिफ्ट लेकर जाते हो कस्टमर के पास। अब वो गिफ्ट के पैसे, अगर आप एक सिंपल एजेंट हैं तो वो गिफ्ट के पैसे आपको अपनी पॉकेट से देने पड़ते हैं, वो एलआईसी नहीं पे करती है। लेकिन अगर आप चेयरमैन क्लब मेंबर बन जाते हैं तो आपको गिफ्ट आइटम के पैसे भी एलआईसी देती है, 5,000 रुपए पर एनम, हर साल आपको 5,000 रुपए गिफ्ट आइटम के लिए एलआईसी की तरफ से दिए जाएंगे, ताकि आप अपने कस्टमर को कोई भी गिफ्ट जाकर दे सकते हैं। तीसरा बेनिफिट, और मुझे लगता है कि आप में से काफी एजेंट ऐसे होंगे जिनको इन बेनिफिट्स के बारे में पता नहीं होगा, अगर आपको नहीं पता है तो मुझे कमेंट करके बताइए कि सर हमें नहीं पता था, और अगर आपको पता है तो भी कमेंट करके बताइए कि सर हमें इन बेनिफिट्स के बारे में पता है। नेक्स्ट बेनिफिट है दोस्तों, जब हमारा कोई त्योहार आता है तो उस त्योहार पर हमारी खर्चे
हो जाते हैं। जैसे दिवाली आती है तो दिवाली पे क्या होता है, बच्चे डिमांड करते हैं सर हमें तो पटाखे छुटाने हैं, पटाखे लेके आइए आप, राइट, हमें पटाखे छुड़ाने हैं। तो वो पटाखे आप लेकर आएंगे तो उसके खर्चे आपको अपनी पॉकेट से पे करने होते हैं। लेकिन LIC आपको फेस्टिवल एडवांस देती है। कभी कभी क्या होता है कि एजेंट के पास या किसी भी आदमी के पास त्योहार पर खर्च करने के लिए पैसे नहीं होते हैं, तो अगर आप चेयरमैन क्लब मेंबर हैं तो चेयरमैन क्लब मेंबर के तौर पे LIC आपको फेस्टिवल एडवांस देती है 20,000 रुपये हर साल, यानी कि हर एक त्योहार पर आपको 20,000 रुपये दिए जाएंगे। नेक्स्ट दोस्तों, विजिटिंग कार्ड। LIC आपको एक साल में 250 विजिटिंग कार्ड देती है, इसमें भी खर्चा आपका बच गया। अगर आप चेयरमैन क्लब मेंबर हैं तो विजिटिंग कार्ड भी आपको प्रिंट कराने की जरूरत नहीं है, सब कुछ फ्री ऑफ कॉस्ट LIC आपको 250 विजिटिंग कार्ड दे रही है हर साल। इसी तरीके से LIC आपको लेटर हेड और एनवलप के लिए 1,000 एनवलप और लेटर हेड देगी आपको हर साल। नेक्स्ट दोस्तों, ट्रेवलिंग एक्सपेंस। अगर आपको कहीं बाहर जाना है तो उसके लिए भी LIC आपको ट्रेवलिंग एक्सपेंसेस देती है, और ये इकोनॉमी क्लास एयरफेयर का आपको रिइंबर्समेंट होता है। नेक्स्ट दोस्तों, हम सबका सपना होता है कि हमारा अपना खुद का घर हो, ये सपना सभी का होता है, ऐसा कोई व्यक्ति नहीं है जिसका ये सपना ना हो कि उसका अपना घर ना हो। अगर आप चेयरमैन क्लब मेंबर बन जाते हैं तो LIC आपको हाउसिंग लोन देती है, वो भी 5% के इंटरेस्ट पर। 18.5 लाख का आपको हाउसिंग लोन दिया जाएगा सिर्फ 5% के इंटरेस्ट पर, और बाकी 21.5 लाख यानी कि 21,50,000 का हाउसिंग लोन आपको 9.5% के इंटरेस्ट पर दिया जाएगा, जो कि मार्केट में देखते हुए काफी कम है। तो ये बेनिफिट सिर्फ चेयरमैन क्लब मेंबर एजेंट्स को ही दिए जाते हैं। तो आप समझिए, सारे बेनिफिट समझिए, क्योंकि आपको इंश्योरेंस सेक्टर में आगे ले जाने के लिए, पैसा कमाने के लिए, अपने सपने पूरे करने के लिए LIC वो सारे बेनिफिट दे रही है जो आपको शायद ही कहीं पर दिए जाएंगे। इसके अलावा दोस्तों, आपको अगर व्हीकल खरीदना है तो आपको LIC इंटरेस्ट फ्री व्हीकल एडवांस देती है। कार एडवांस, जितना भी कार का प्राइस होगा वो, या फिर 7.5 लाख रुपए, विच एवर इज लेस, जो भी कम होगा, या तो 7.5 लाख मिलेंगे, और अगर कार की वैल्यू 7.5 लाख से ज्यादा है तो आपको तब भी 7.5 लाख मिलेंगे, यानी कि या तो फुल परचेज प्राइस या 7.5 लाख रुपए, जो भी कम होगा वो आपको LIC की तरफ से दिया जाएगा। और अगला दोस्तों, नेक्स्ट है कंप्यूटर। अगर आपका ऑफिस होगा तो ऑफिस खोलने के लिए आपके पास ऑफिस में कंप्यूटर होना भी जरूरी है, तो LIC आपको कंप्यूटर एडवांस भी देती है, फुल परचेज प्राइस यानी कि जितने का आपका कंप्यूटर आता है वो, या फिर 1 लाख रुपए, जो आपको 9% के इंटरेस्ट पर 60 इंस्टॉलमेंट में पे करने हैं, राइट। यानी कि कंप्यूटर लेने के लिए, लैपटॉप लेने के लिए भी आपको अपनी पॉकेट से कोई पैसा लगाने की जरूरत नहीं है, ये सब आपको LIC देती है, जो कि आपको 60 इंस्टॉलमेंट में यानी कि 5 साल की किस्तों में आपको वो वापस करना होता है 9% के इंटरेस्ट पर। नेक्स्ट दोस्तों, आप कस्टमर से फोन पे बात करते हैं, भाई फोन पे बात करते हैं तो फोन का बिल भी आता होगा या फोन को रिचार्ज कराते होंगे, अभी तक आप अपनी पॉकेट से करा रहे हैं, लेकिन चेयरमैन क्लब मेंबर बनने के बाद LIC आपको टेलीफोन फैसिलिटी भी देती है, यानी कि 8,000 रुपए हर साल LIC आपको टेलीफोन फैसिलिटी देती है, टेलीफोन एक्सपेंसेस देती है, आपको 8,000 तक का बिल का पैसा LIC आपको देगी। नेक्स्ट दोस्तों, आपको ग्रुप मेडिक्लेम भी मिलता है और ग्रुप इंश्योरेंस भी मिलता है। तो ये सब बेनिफिट मुझे लगता है कि आप में से बहुत सारे एडवाइजर को पता नहीं थे, और मुझे लग रहा है कि आपको ये वीडियो देखने के बाद अंदर से एक्साइटमेंट आया होगा, आपको कहीं ना कहीं अंदर से एक वो आवाज निकली होगी कि मैं कर सकता हूं, मैं क्यों ना ये सब बेनिफिट लूं, मैं क्यों ना ये सब पैसे लूं, मैं क्यों ना अपना बिजनेस समझ के इस काम को करूं ताकि मुझे ये सब बेनिफिट मिले। कमीशन तो मिलता ही मिलता है, उसके साथ साथ ये सब बेनिफिट भी आपको मिलेंगे। तो हर एक इंश्योरेंस एडवाइजर आज से ही तैयार हो जाए, हर एक इंश्योरेंस एडवाइजर आज से ही अपने दिमाग में एक बात जरूर बिठा लें कि मुझे LIC में एजेंट बन के नहीं रहना है। एजेंट कौन होते हैं? एजेंट होते हैं जो सिर्फ साल में 2, 3, 4, 5 पॉलिसी करते हैं, वो एजेंट होते हैं। लेकिन जो लोग चेयरमैन क्लब मेंबर बनते हैं, जो लोग गैलेक्सी क्लब मेंबर बनते हैं,
जो लोग जोनल क्लब मेंबर बनते हैं वो एजेंट नहीं होते हैं, वो होते हैं फाइनेंशियल प्लानर, वो होते हैं एक बिजनेसमैन। उनकी जो सोच होती है वो होती है एक बिजनेसमैन वाली सोच। कहीं ऐसा तो नहीं है कि टारगेट पूरे करने के चक्कर में कभी मामा के यहाँ पे जा रहे हैं, कभी अपने दोस्त के यहाँ पे जा रहे हैं, कभी अपने जीजा के यहाँ पे जा रहे हैं, कभी किसी के अपने दोस्त के पास जा रहे हैं कि भाई मेरा टारगेट पूरा करना है, मुझे अपना टारगेट पूरा करना है, मेरा टारगेट पूरा करा दीजिए वरना मेरी एजेंसी टर्मिनेट हो जाएगी। अगर आप इस तरीके के एजेंट हैं तो एजेंसी का कोई फायदा नहीं है, कोई फायदा नहीं है। आपने सिर्फ टाइम पास के लिए एजेंसी ली हुई है। अगर आपको अपना करियर बनाना है इंश्योरेंस सेक्टर में और आपको वो सारे बेनिफिट लेने हैं जो बेनिफिट मैंने आपको बताए, तो आपको आज से ही दृढ़ संकल्प करना होगा। आज से ही आपको एक अपने आप से कमिटमेंट करना होगा, अपने बॉस से नहीं, अपने आप से कमिटमेंट करिए कि मुझे जरूर चेयरमैन क्लब मेंबर बनना है। और मैं आपको दावे के साथ कह सकता हूं कि अगर आपने ठान लिया, अगर आपने अपने आप से कमिटमेंट कर लिया, तो दुनिया की कोई ताकत आपको चेयरमैन क्लब मेंबर बनने से नहीं रोक सकती। और अगर आप जानना चाहते हैं कि चेयरमैन क्लब मेंबर बनने के लिए कितना बिजनेस होना चाहिए, आपको नहीं पता है तो मुझे कमेंट जरूर करिएगा कि सर हमें नहीं पता है कि चेयरमैन क्लब मेंबर बनने के लिए कितना बिजनेस होना चाहिए, तो मैं नेक्स्ट वीडियो में इसके बारे में भी आपके लिए एक वीडियो लेकर आऊंगा। तो अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कीजिए और शेयर कीजिए अपने दोस्तों के साथ में। और अगर आप हमारी वीडियो पहली बार हमारे YouTube चैनल पर देख रहे हैं, हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें और साइड में जो बेल आइकन है उस पर जाकर नोटिफिकेशन को ऑल पर सेट करें। और जो दर्शक हमारी वीडियो हमारे Facebook पेज पर देख रहे हैं, हमारे Facebook पेज को लाइक कीजिए और फॉलो कीजिए। और भूलिएगा नहीं, हर एक संडे रात ठीक 9 बजे मैं आप लोगों के लिए YouTube और Facebook पर लाइव प्रोग्राम लेकर आता हूं, जहां पर आप सभी दर्शक अपने सवाल मुझसे पूछ सकते हैं। तो आज की इस वीडियो में इतना ही। थैंक यू सो मच, ऑल द बेस्ट। आप सभी को मेरी शुभकामनाएं कि आप जरूर चेयरमैन क्लब मेंबर बने। थैंक यू सो मच।